أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. आज मैं आपके सामने चौथे पारे के बाद अहम मदामीन को रखने की जस्तजु करूंगा चौथे पारे के आगाज में अल्लाह तबारक वाली ने इनफाक फीस के आदाब में से एक अहम अदब का जिक्र किया है मालिक कायन ब्रा तुनफिको मिब्बून तुन फिको मिनशीन फईन अल्लाह भी हलीम तुम उस वक्त तक नेकी को नहीं पहुंच सकते जब तक तुम उस चीज को अल्लाह तला के रास्ते में हज नहीं करते जिसे तुमसे प्यार है और अल्लाह तबारक व खूब जानते हैं जो तुम अल्लाह ताला के रास्ते के अंदर खर्च कर रहे होते हो बाद लोग अपनी के ऊपर अपने अहाना पर अपने दोस्त अहबाब के ऊपर तो पैसा बड़े खुले दिल से खर्च करते हैं लेकिन जब अल्लाह तबारक व तला के रास्ते में माल को खर्च करने की बारी आती है तो बचे खुचे माल को झूठे माल को बचे हुए खाने को अल्लाह तला के रास्ते में देते हैं हालांकि जितना भी रिजक इंसान के पास मौजूद है वो सब का मालिक कायनात का फजल है उसकी इनायत है अगर मालिक कायनात का फजल उसकी इनायत इंसान के शामिल हाल ना होती तो इंसान रोटी के एक एक नवाले को और पानी के एक एक कतरे को तरस रहा होता लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ही के अता करदा रिज़क में से जब उसके रास्ते में हर्ज करने की बारी आती है तो इंसान उस माल को अल्लाह ताला के रास्ते में हर्ज करता है जो अगर उसको खुद दिया जाए तो इस माल को लेने का परमादा तैयार न हो हजरत साहब कराम रिजवान रसूल के तरबियत याफ्ता थे जब भी कभी इस्लाम को मालों की जरूरत पड़ी वो अपने माल में से बढ़ चढ़ के अल्लाह तला के रास्ते में हर्ज करने के पर मादा तैयार हो जाते हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तु का इस हवाले से एक इम्तिया मुकाम है कि जब भी कभी इस्लाम को जरूरत पड़ी मसवे नबी शरीफ की खरीदारी का मसला हो या बेर रूमा की खरीदारी का मसला हो या गजवाद के अंदर समान जंग की तैयारी का मसला हो हजरत ऊस्मान रजी अल्लाह तन अपने माल को बढ़ चढ़ के हर्ज किया करता थे जैसे उस्रा के मुकाम के ऊपर तंगी वाली जंग के मुकाम के ऊपर हजरत उस्मान रजी अल्लाह ने एक ही मुकाम के ऊपर सात सौ ऊंटान अल्लाह तबारकवा तस्ते में हज कर दिए और नबी सला ने उनको सात मरतबा उस मुकाम के ऊपर जन्नत की बशारत दी हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तनो की कैफियत और उनकी तबीयत भी बड़ी अजीब थी जब अल्लाह तबारकवा तस्ते में माल हज करने की बारी आती तो अपने अहलहाना की जरूरियात को भी टच कर दिया करते थे तबूख ही की जंग के अंदर हजरत अबूबकर सिद्दीक रजी अल्लाह अपने घर का वह बारिस में पेश फरमा देते हैं नबी करीम सल्जत अबूबकर फरमाते हैं कि अबू बकर अपने अहिहाना के लिए क्या छोड़ के आए हो तो जवाब में हजरत अबूबकर रजी अल्लाह तनो क्या जवाब देते हैं कि घर के अंदर अल्लाह तबारक व तलाफ और उसके रसूल सल्म की मोहब्बत को छोड़ के आया हूँ और जहां पर यह दोनों चीजें मौजूद हो उस घर के रहने वालों को और किसी चीज की क्या जरूरत हो सकती है इसी पारे में अल्लाह ने हर उस शख्स के लिए जिसके पास रकम मौजूद है ताकत मौजूद है सेहत मौजूद है उसके ऊपर फर्जियत हज का जिक्र किया है वालनासी हिजुल्बई थी मनस्त सबीला के हर वो शख्स जो साहिब इस्तात है उसको अल्लाह तबारक वाली के रास्ते में हज जरूर करना चाहिए हज अरकान इस्लाम के जो पांच अहम अरकान है इस्लाम के उनमें से एक रुकन है बहुत से लोग अल्लाह तबारकवा तारा को माल से नवाजता है वो बलाद यूरोप का सफर भी करते हैं मिडल ईस्ट भी जाते हैं इसी तरह फॉर ईस्ट भी जाते हैं लेकिन जब अल्लाह तबारकवा के रास्ते में हज करने की बारी आती है तो उसको हम हर हाँ डिले करते रहते हैं उधेड़ उम्र का इंतजार या बुढ़ापे का इंतजार करते रहते हैं ये जो जिंदगी है ये अल्लाह तबारकवा तला की तरफ से एक मोहलत की शक्ल में एक इनाम की शक्ल में हमको हासिल हुई है न जाने कब जिंदगी की डोरियां कट जाएं और अल्लाह तबारक वाल की बारगा में इंसान ऐसे हालत में पेश हो कि वह अल्लाह तबारक वाली की नेमतों के हवाले से उसको जवाब देने से चुनाच अल्लाह तबारक वाली नेकीकत का है वह मन का फरा साहिब इस्तः होने के बावजूद हज की फर्जियत का इनकार करे या फर्जियत को तस्लीम तो करे लेकिन अमली तौर पर उसको अमली जामा पहनाने से कासिर रहे नियतन तो अल्लाह तबारक वाली ऐसे इनकार करने वालों से गनी है इस सूरत में अल्लाह व तआला ने इख्तलाफ उम्मत के हल के लिए और उम्मत मुसलमान को वाहिद के ऊपर मुतहद करने के लिए अहम तरीन तदबीर का किया पहले मरहले के ऊपर अल्लाह तबारक वाली फिरका बारीत की मजम्मत फरमाते हैं मालिक कायन तैलान फरमाते हैं वाहम जमी अम वा तफर रखू कि तुम सारे के सारे मिलकर अल्लाह तबारक वाली की रस्सी को मजबूती के साथ थाम लो और फिरकों के अंदर तकसीम मत हो गोया के अगर सारे के सारे मुसलमान के वाले अपने जुजी अखिलाफ को अपने फ्रू अखिला को हत्या के कई मतलब फंडामेंटल अखिलाफात को फरामोश करके तफरके तो से बचना चाहते हैं तो उनको मालिक कायनात के कुरान को अल्लाह तला की रस्सी को मजबूती के का थाम लेना चाहिए अगर हम सारे के सारे मुतहद होकर अल्लाह तबारक व तला के कुरान की तरफ रिजू करना शुरू कर जाए तो इस वक्त जो उम्मत जिन अखिलाफा से गुजर रही है उन सारे के सारे अखिलाफात का अदाल हो सकता है इस सूरत में अल्लाह व तआला ने कयामत की उन सातों का जिक्र भी किया जिन सातों में कायनात जो है इंसानों को दो तरह के रंगत वाले चेहरों के अंदर उठाएंगे अल्लाह तबारक वालेमत के दिन बाद चेहरे जो है वह सफेद होंगे और बाद चेहरे से होंगे तो वो जो सफेद चेहरे वाले लोग होंगे वफी रहमत ही हम फी हा खालिदून व तआला की रहमतों में हमेशा रहने वाले होंगे और उसके मद्दे काले चेहरे वाले लोग वो होंगे अकफर तुम उन्होंने अल्लाह व की आयात को झुटलाया होगा चुनाचे उनको अदाब का मजा चखना पड़ेगा इस सूरत में अल्लाह व तला ने उमत मोहम्मदी सलाद और तस्लीम के एक इम्तिया वसफ का जिक्र किया है कि अल्लाह ने उम्मत उम्म महम्मदीलाम को खैरुल उम्म करार दिया है उसकी बुनियादी वजह यह है कि इनके अंदर अमर बिल मारूफ बिलमारूफ वन मुनकर का एक जो सलाहियत है अल्लाह तबारक इनको नेटी परायती है उसको अपनी इस्तात के मुताबिक बड़े तरीके से निभाते रहते हैं इस सूरत में अल्लाह तबारकवा तदर के उस मार्के काम थे इसल में, में कम थे लेकिन अल्लाह तबारकवा तला की ज़ात के ऊपर भरोसा करके निकले हजरत रसूल वसलम ने ऐसे आलम में जब मुसलमानों की कमजोरी को देखा तो आपकी आंखें जो हैं के साथ भीग जाती हैं आप रब्बुल आलमीन में बारह दुआ मांगते हैं अल्लाह तबारक अलैहि सलाम की दुआ को कबूल और मंजूर फरमाते हैं और मुसलमानों की के लिए उनकी नुसरत के लिए पहले एक हजार फिर तीन हजार और फिर पांच हजार फरिश्तों की के साथ उनकी नुसरत का वादा फरमाते हैं हैंजरत रसूल अल्लाह तबारक वाली की गैबी नुसरत के साथ फतेह हुए और अल्लाह तबारक वाली ने रसूल को कलाब हमीद के अंदर मुस्तकिल कसूल की हैसीत दे दी केयात दुनिया व यौमा यकूम तबारकवा मदद करेंगे अपने रसूलों की भी और रसूलों के रास्ते को ऊपर चलने वाले अहल ईमान की भी आज मुसलमान जो हैं दुनिया के अंदर जिल्लत मस्कनत बेहसी और जो बेबसी का शिकार है उसकी बुनियादी वजह यह है कि आज अल्लाह तबारकवा तला की ज़ात के ऊपर ईमान और ई की कमी है अगर आज मुसलमान अपने सीने को उसी ईमान से भर लें जो करून उला के मुसलमानों का तुर्रा इम्तियाज था तो अल्लाह तबारक वाली आज भी अपनी बात को पूरा करने के लिए तैयार है कि जिस तरह अल्लाह तबारक वाली अपने रसुल्ला की मदद फरमाते रहे अपने अंबिया आलिम की मदद फरमाते रहे उसी तरह अल्लाह तबारक वाली ईमान की भी तय फरमाते रहेंगे इस सूरत में अल्लाह तबारकवा तला ने सूद ही की एक किस्म कंपाउंड इंटरेस्ट का जिक्र किया है मैंने आपके सामने तीसरे पारे के अंदर सिंपल इंटरेस्ट की हरमत का जिक्र किया था कि अल्लाह तबारक वाली ने बिहर ही के वो लोग जो सूद खाते हैं गोया वल्ला और उसके रसूल के खिलाफ एलान जंग करते हैं इस बारे में अल्लाह तबारक वाली ने सूद दर सूद का जिक्र किया उसकी ममानत फरमाई है बाद लोग ये बात समझते हैं शायद कंपाउंड इंटरेस्ट इस्लाम में हराम है लेकिन सिंपल इंटरेस्ट जायज है लेकिन सूद की दोनों किस्मों को अल्लाह तबारक वाल कलाम हमीद में हराम कर दिया है अल्लाह तबारक वाली में सही मानों में हराम से इजतनाब करते हुए हलाल के रास्ते पर चलने की तोहफी कता फरमाएरत ग्रामी सूरत में अल्लाह तबारक वाली ने उन सात और लम्हों का जिक्र भी किया जब ओहद के मुकाम के ऊपर हजरत अलैहि वसल्लम की शहादत की अफवाह फैल जाती है शहादत की अफवाह फैलने की देर थी मुसलमानों के आसाब के ऊपर तो गोया बिजलियां गिर पड़ी

गोया के अल्लाह ने तहले ईमान को इस बात की नसीहत और वसीयत फिर मा दी कहले ईमान को हर सूरत के अंदरत रसूल जब कायनात में जलवा गर् उस वक्त भी और जब आप कायनात से तशरीफ ले गए उस वक्त भी उनको अल्लाह तबारकवा तरफ से जो तफवीज करदा उनकी जिम्मेदारियां उनको आसन तरीके से अंजाम देते रहना चाहिए और आपकी दुनिया से रहलत को आमाले साल में और इसी तरह नेकी कामों में बढ़ चढ़ कर और जिहाद फी सबी में रुकावट के तौर पर नहीं लेना चाहिए बल्कि जो नकुश पा जो आपकी सीरत मुबारक से हमें जो आपका एक जिंदगी का तस्वुर हासिल हुआ आपके नकुश पा पे चलते हुए उसी दर्श के ऊपर और उन्हीं तालीमात को अपनी जिंदगी के अंदर जो है दाखिल करने की जस्तु करते रहना चाहिए इस सूरत में अल्लाह ने इस बात का भी जिक्र किया कि वला तहन वला तहजन व अन तुम्ला के अहल ईमान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए गम नहीं करना चाहिए इसलिए कि गलबा तो अहले ईमान का मुकद्दर है ताहम जो आज दुनिया के अंदर मुसलमानों की कैफियत को देख के यह बात महसूस होती है कि मुसलमान गलबे के, के रास्ते से दूर हैं तो उसकी वजह बुनियादी तौर पर यह नहीं कि अल्लाह तबारक वाली के वादों में कोई तब्दीली आ गई है उसकी वजह हरगिज यह नहीं कि मालिक कायनात के अल्फाज में कोई तगुर आ गया है बल्कि हकीकी बात यह है कि आज हम मादा मादाप्रस्त हो चुके हैं आज हमारे ईमान का वो मैार नहीं है जिस ईमान के मयार के हवाले से अल्लाह तबारक वाली ने यह बात कही थी

उनका तस्किया नफ्स भी फरमाते रहे वाइन लफी जलाल मुबीन और उससे कबल रास्ते उनके ऊपर गुम हो चुके थे अरब के वो लोग जो अपनी बेटियों को जिंदा दर कर करते थे जो बाद में बाद एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाया करते थे जो कभी घोड़ा आगे बढ़ाने के ऊपर एक दूसरे को कत्ल करने पे आमादा हो जाते और कभी पानी पीने और पिलाने के ऊपर एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ने उनको बाहम यूं शीरो कर दिया कि वो पूरी की पूरी कायनात के रखवाले बन गए इज्जतों के निगेवान बन गए और हजरत रसूल वसलम स्थाले की जरितालीमत जो किताब की शक्ल में जो सुनत है नबी शरीफ की शक्ल में दुनिया वालों को हासिल हुई उन्होंने से जुल्मत के अंधेरों को दूर करके दुनिया में हिदायत की रोशनी को बखेर दिया इस सूरत में अल्लाह तबारक व तला ने एक अहम दुआ का भी जिक्र किया है कि वो अहम दुआ ये है जब अहले ईमान के खिलाफ आदाए दीन इकट्ठे हो जाते हैं कुफ्वार कट्ठे हो जाते हैं तो ऐसी सूरत के अंदर उनको दिल शिकस्ता नहीं होना चाहिए बल्कि उनको दुआ मांगनी चाहिए अल्लाह अल्लाह वकील हमारे लिए काफी है, कारसाज है और जब अल्लाह की ताईद उसकी नुसरत ईमान को हासिल हो जाए तो फिर खुद अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया लम यमसमसू उनको कोई तकलीफ उनको कोई ईजा देने वाला उनको कोई अजियत देने का इरादा करने वाला उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता हजरत इब्राहिम को जब आतिश नमरूद के अंदर फेंका गया था तो ऐसे आलम में हजरत इब्राहिम ने अल्फाज कहे थे अल्लाह व वकील मेरे लिए अल्लाह काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है तो कायनात ने क्या किया मालिक ऐलान फरमा दिया कुलना या ना रकूनी बर्दन व अला इब्राहिम ए आग तू इब्राहिम के ऊपर ठंडी हो जा मगर इतनी ठंडी नहीं होना कि इब्राहिम को सर्दी का एहसास होने लगे बल्कि उनके लिए महकते हुए गुलाबों का गुलिस्तान बन जाना उनके लिए चमनसान चमनिस्तान बन जाना और अल्लाह व तला ने समर का ऐलान फरमा दिया व आरा दू भी कईदन फजा अल्लाक्सरीन वह सारे के सारे इब्राहिम इब्राहीम के खिलाफ मकर का इरादा लेके आए लेकिन अल्लाह व तला ने उन सारों के मकर और दजल और फरेब को हाथ में मिला के रख दिया था इसी सूरत में अल्लाह तबारक वाली ने इस बात का भी जिक्र किया कि यहूदी अल्लाह तबारक वाली की जात के बारे में हरदा सराई करते हुए कहते थे मादल्ला हम गनी हैं और अल्लाह तबारक ताला फकीर है हालांकि हकीकत बात यह है उस समावाती वाल हजायन समावती वालसमान के जितने भी हदाने हैं उनका मालिक दर हकीकत अल्लाह तबारक ताला है ये सोना ये चांदी ये यूरेनियम ये कुदरती वसायल ये पेट्रोलियम ये किसके बनाए हुए हैं ये सब के सब अल्लाह तबारक व तौनाए हुए हैं लेकिन यहूदी अल्लाह तबारक वाल की शान के अंदर यह गुस्ताही करते और अल्लाह तबारक व ताली की जो कदर वत को पहचानने से का रहते इस सूरत में अल्लाह ने हकीकी कामयाबी का भी जिक्र किया कि हकीकी कामयाबी सिर्फ मालो सबाब को जमा कर लेना नहीं हकीकी कामयाबी किसी मनसब या किसी ओहदे के ऊपर पहुंच जाना नहीं बल्कि हकीकी कामयाबी क्या है फमन जुहजियान नार व उद खिल जन्नत फाज हकीकी कामयाबी उसको हासिल होगी जो आग के अंगारों से बच के जन्नत के बागत में दाखिल हो जाएगा इस सूरत में अल्लाह तबारक वाली ने अहले ईमान के उनफ का भी जिक्र किया है हिम के अहल ईमान जो है वो खड़े होकर बैठते हुए अपने पहलुओं के पर को याद करते रहते हैं वह याल की समावाती वाल और जमीन व आसमान की तहलीक के अंदर भी तदब्बर करते रहते हैं गौर वफिक्र करते रहते हैं और पूरी की पूरी कायन के ऊपर गौर वफिकने के बाद बगैर सतून के बनाए गए आसमान की नीलगू छत को देखने के बाद और जमीन के खूबसूरत फरश को देखने के बाद और इसमें चलने वाली नहरों को देखने के बाद और इसमें खड़े हुए पहाड़ों को देखने के बाद और फसलें गुल और तरह तरह के रंगों को देखने के बाद वो ये बात बरमला तौर पे कहने पे मजबूर हो जाते हैं मा खलक रब खलता सुबह फकीना कफाकिना बनार ऐ मेरे परवरदिगार है हमारे परवरदिगार दिगार तू ने जो कुछ भी बनाया है बगैर सबक के नहीं बनाया अल्लाह अगर हम अपने मकसद हयात को फरामोश कर देते हैं तो अल्लाह तेरी जात पाक है तू हमें आग के अजाब से बचा लेना इसके बाद सूर्य निसा है और सूर्य निसा में अल्लाह तबारक व ने इस अहम हकीकत का जिक्र किया कि इंसानों को अल्लाह तबारक व ताल की डर जाना चाहिए किस अल्लाह तला की जात से जिसने एक नफसे वाहिदा से इंसान को पैदा किया और फिर उससे हमारी माँ सयदा सयदा हवा को पैदा किया और उसके बाद बनी नो इंसान जो है मुख्तलि कबीलों की शक्ल में मुख्तलि बरादरियों की शक्ल में रंगो नस्ल की शक्ल में पूरी दुनिया का पर हो गए लेकिन हकीकी बात यह है जो अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया या याबकुमी वाहिदा व व खला किन वन जालन कसीर व तक तसाबी वरहाम कान रकीबा के इंसान की असल वह सैदना आदम है हम सब के हम सबके वालिद और हम सबकी वालिदा एक हैं हमें किसी दूसरे को अपने कबीले की वजह से अपने रंगो नस्ल की वजह से अपने आप को बरतर उसको कमतर नहीं समझना चाहिए हकीकी बात यह है इस्लाम के अंदर तकवा फजीलत का वाहिद मैार है लेकिन आज दुख की बात यह है कि असबियतों का शिकार और लसानी तसुबात का शिकार गिरोही तुबात का शिकार और फिर कासुबात का शिकार होने की वजह से उम्मत मुसलमा पारा पारा हो चुकी है उसकी अजमत गहना चुकी है आज भी अगर हमें हमारी अजमत और खोया हुआ मुकाम हासिल होगा तो जब हासिल होगा जब अपनी असल की तरफ मराजत करेंगे इस सूरत में अल्लाह तबारक वाली बदमनी को रोकने वाली तदबीर का किया है अल्लाह तबारक फरमाते हैं फन की तबारक तलान फरमाते हैं कि तुम दो तीन चार शादियां कर सकते हो लेकिन अगर तुम डरते हो तो अदल नहीं कर सकते तो उस सूरत में तुम एक के ऊपर भी इतफा कर सकते हो हज़रा ग्रामीण तो में लोग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स को कबूल कर लेते हैं दौरे हाजिर में लोग जो एक सिंफी बदमनी का एक जो चलन है उसको गवारा कर लेते हैं लेकिन अपने किरदार को तहफ़ देने के लिए इसी तरह बाद बेवाओं और बाद तलाक याफ्ता औरतों की किफालत करने के लिए जो इस्लाम में तदवास का कंसेप्ट मौजूद है उसको तनकीद का निशाना बनाते हैं एक केल कंसेप्ट है और इसके पीछे जो है अल्लाह तबारक वाल अपनी हिकमत और है हमें अल्लाह तबारक वाल समझने की कोशिश को करनी चाहिए अल्लाह तबारक ताला ने उन रिश्तों का जिक्र किया जिनसे निकाह करना इंसान के लिए हराम है अल्लाह तबारक वाली एलान फरमाते हैं हुरमतुम महातुकुम व बना तुकुम व खवा तुकुम व मा व खाला बना व बना तुलखती وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِن أَصْلَابِكُمْ अल्लाह व तबारकवा ऐलान फरमाते हैं तुम्हारी माएँ तुम्हारे ऊपर हराम है तुम्हारी बेटियां तुम्हारे ऊपर हराम हैं तुम्हारी बहनों से निकाह तुम्हारे ऊपर हराम है तुम्हारी फूफों से तुम्हारी हालाओं से तुम्हारे निकाह हराम है इसी तरह रदाई वालदा के साथ निकाह की गुंजाइश नहीं रदाई बहन के साथ निकाह करने की गुंजाइश नहीं इसी तरह एक औरत जो ऑलरेडी किसी बेटी की माँ है उससे अगर इंसान निकाह करता है तो उसकी बेटी के साथ निकाह करने की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है इसी तरह जो इंसान की बहू है उसके साथ निकाह करने की गुंजाइश मौजूद नहीं है इसी तरह दो बहनों को बैक वक्त जो है एक ही वक्त में निकाह में रखना इसकी गुंजाइश मौजूद नहीं है इस्लाम का जो महरम रिश्तेदारों का कंसेप्ट है इससे सिर्फ मुसलमानों ने इस्तेफादा नहीं किया बल्कि हिंदुओं ने और पूरी दुनिया के अंदर सेकुलर लोगों तक ने इस्फादा किया है यकीन इस्लाम की तलीमत के अंदर जो महरम का रिश्तों का कंसेप्ट है वो फैमिली यूनिट की बिल्डिंग के अंदर एक नुमाया किरदार अदा करता है और इससे भी इस बात की वजाहत होती है कि कुरान जो है वह यकीन अल्लाह व ताला का कलाम है इसलिए कि इस किस्म की हिकमत जो है ये अल्लाह व ताला ही की ज़ात के लायक है कि वही जानता है कि फैमिली यूनिट्स की कैसे उनको वॉल्व करना चाहिए और कैसे उनकी प्रोग्रेस और उनकी ग्रोथ होनी चाहिए अल्लाह तबारक वाली में कुरने मजीद के जुमला अहमाम को समझने की और उसके बाद उनको आगे फैलाने की और अमल करने की तोफ़ी ताफरमाए वाखिर उदावाना अनबीआल